कान बरस जाते हैं उनकी जुबान से कलिमा तौहीद सुनते हुए। और वो कैसे सुनाए, कुछ अरसे पहले ही इस दौर का सबसे बड़ा फितना ताहिर कादरी साहब के मरकज के अंदर मौलाना तारे जमील साहब खुद तशरीफ ले जाते हैं, उनकी नशातात को, उनकी किताबों को, उनकी तहरीरों को, उनकी वीडियो को देखते हैं और फिर इंटरव्यू करने वाला पूछता है कि जी आप शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की इन सारी मेहनतों को किस नजर से देख रहे हैं। ताहिर कादरी पे तो हमें अफसोस नहीं कि वो तो है ही शिर्क की पूरी दावत का, इस दौर का सबसे बड़ा दाई जो अपनी तकरीरों में खुलकर कहता है कि मोहम्मद सब कुछ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजहुल्लाह भी मोहम्मद है। अरे इसके बाद और कौन सा हुक्म रह गया? अब्दुल्ला मोहम्मद है, अब्दुल्ला मोहम्मद है, अरे जिक्रुल्ला मोहम्मद है, सिरातुल्ला मोहम्मद है, नूरुल्ला मोहम्मद है, इताअतुल्ला मोहम्मद है, मोहब्बतुल्ला मोहम्मद है, मारिफतुल्ला मोहम्मद है और खुदा की कसम वजहुल्ला मोहम्मद है, वजहुल्ला मोहम्मद है, रब का मुखड़ा मोहम्मद है, रब का मुखड़ा मोहम्मद है, अल्लाह का चेहरा मोहम्मद है। मोहम्मद तो फरमाया करते थे अना अब्दू हूं व रसूल हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं उसका रसूल हूं, और ये मुजरिम कहता है नहीं अल्लाह का चेहरा भी मोहम्मद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मोहम्मद भी अल्लाह हो गया ना, दो अल्लाह का ईमान लाना पड़ेगा, वो तो है ही दाई शिर्क और कुफर की दावत का। लेकिन मौलाना तारे जमील साहब से जब पूछा गया आपकी क्या राय है, कहा मेरी राय ये है बहुत सारे लोग मिलकर दीन इस्लाम की उतनी खिदमत नहीं कर सकते जितनी अकेला ताहिर कादरी कर रहा है, और मैं तस्लीम करता हूं कि आज के दौर का शेखुल इस्लाम ताहिर कादरी है। ये जो है ना, अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, आप इसके ऊपर जो जो हासला है सुधक है और जो उन्हीं की किताबों से रिसर्च करके 45 घंटे की रिकॉर्डिंग करके जिस पर पूरी उम्मत मुसलमान एक होती है, ये फाउंडेशन ज़ात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत। जो आप देख मारे थे वो तस्वीर से खिलाफ ही नहीं सारी कहता है कि तस्वीर शराय के मार से थे, इसीलिए उन्होंने जो महा सल्तान का वादे देने में अर्ज किया था कि ये अखलाक का जो एक इंस्टीट्यूशन था अदारा वो तस्वीर का था। तो एक तरफ तो इसके रसूम रिवाज और पीली मुरीदी और तावीर बंदे का एक रस्म शक्ल दे दी गई, वेलकम करते हैं आप तरीके मेजबान के महफिल से तकलीफ तशरीफ लाए हैं, तो आपकी आमद से यहाँ जो अहबाब हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो मैं आपसे यह अर्ज करना हूँ तरीके मालूकान का जो नेटवर्क है और वो शेखुल इस्लाम की जो दावती खिदमात है उसको आप एक तनाजर में देखते हैं। मैं ऐसे बहुत खूबसूरत तनाजरों में देखता हूँ, ये अल्लाह का एहसान है किसी को इंतखाब कर लेता है और देखने में वो एक शख्स होता है और उससे काम हजारों का लिया जाता है। तो शेखुल इस्लाम भी ऐसी शख्सियत हैं, देखने में एक हैं लेकिन हजारों के मजमू पर मुझे भारी नजर आते हैं। और बाकी इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक इंतहा पसंदी की है, टेररिज्म की वेव है, इस सारे सिनेरियो में जो शेखुल इस्लाम ने जो अपना तारीखी एक फतवा दिया टेररिज्म पे, उस पर उसके हवाले से आपका बहुत मुतदिल इंसाफ पसंद आना।
انا لله وانا الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جس نے شرک کو ایک نئی زبان دی ہے, جس نے شرک کی دعوت کو اس دنیا کی آنکھوں میں علم کی چادروں میں چھپا کر پیش کیا ہے, آپ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے, ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. لوگوں آئیے.